नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड राज्य सरकार आगामी 2022-23 का बजट जनता की राय लेकर बनाएगी। सरकार के बजट में क्या होना चाहिए, इस संबंध में जनता से राय मांगी गई है। जानिए सुझाव देने के लिए आपको क्या करना होगा। हमर अपन बजट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करें। होम पृष्ठ पर दिए गए स्थान पर मोबाइल नंबर और ईमेल भरें और ओटीपी जनरेट करने के लिए एक क्लिक करें। ओटीपी ईमेल अथवा मोबाइल किसी पर भी अपनी सुविधा अनुसार मांग सकते हैं। मोबाइल पर आए ओटीपी पर दिखाएं और कैप्चा कोड को उसके स्थान पर भरें और रजिस्ट्रेशन पेज में प्रवेश करें। रजिस्ट्रेशन पेज में मांगे गए विवरण को भरकर सेव करें। संबंधित विभाग क्षेत्र का चुनाव कर सुझाव पोस्ट करें। राज्य सरकार आगामी 2022-23 का बजट जनता की राय लेकर बनाएगी। सरकार ने बजट में क्या होना चाहिए, इस संबंध में जनता से राय मांगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट तथा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए राज्य की आम जनता 2022-23 बजट के लिए अपना सुझाव साझा कर सकेगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, विशेष सचिव दीप्ति जयराज, वरीय तकनीकी निदेशक उमेश प्रसाद सिन्हा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट यशवंत कुमार, प्रोग्रामर पीएमयू वित्त विभाग श्याम कुमार केशरी, प्रोग्रामर पीएमयू वित्त विभाग कृष्ण मुरारी तिवारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पर जनता की राय लिए जाने के मुद्दे पर कहा है कि राज्य निर्माण में लोगों की सार्थक भूमिका हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने आगामी बजट हेतु अपना बहुमूल्य सुझाव लोगों से मांगा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।